क्या आपको पुष्पा याद है? हाँ, आप फ्री फायर पुष्पा के साथ कोलैब करने जा रहा है। ये एक बड़ी खबर है क्योंकि इस कोलैब से गेम को ज़बरदस्त हाइप मिलने वाली है। पुष्पा की शक्ति और फ्री फायर का एक्शन मिलकर एक धमाका होगा। लेकिन असली सवाल अब भी वही है, फ्री फायर इंडिया कब वापस आएगा? क्योंकि 3 साल हो गए हैं और अभी तक गेम का कुछ पता नहीं है। सबसे पहले एक छोटी सी याद दिला दूं, 3 साल पहले फ्री फायर को इंडिया में बैन कर दिया गया था और उसके बाद से हम सब फ्री फायर मैक्स से काम चला रहे हैं। गेम बैन होने का रीज़न था डेटा प्राइवेसी एंड कंसर्न। गरेना ने कहा था कि वो फ्री फायर इंडिया वर्जन लेकर आएंगे जो पूरी तरह से इंडिया मार्केट के लिए ऑप्टिमाइज होगा। लेकिन 3 साल गुजर गए और अब तक सिर्फ इंतज़ार ही चल रहा है। अब ये लोग पुष्पा के साथ कोलैब कर रहे हैं। पुष्पा का फ्री फायर के साथ कोलैब एक बड़ी बात है क्योंकि इससे गेम को और भी हाइप मिलेगी। लेकिन यहाँ एक बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत सारे ओल्ड प्लेयर ने गेम खेलना छोड़ दिया है और कई सारे स्पोर्ट्स प्लेयर भी अलविदा कह चुके हैं, इसलिए फ्री फायर इंडिया का आना अब और भी ज़रूरी हो गया है। अब सबका एक ही सवाल है, फ्री फायर इंडिया कब आएगा? सच बोलूँ तो अभी तक कोई ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं मिला है। पहले कहा गया था कि 2023 में लॉन्च हो सकता है, फिर 2024 आ गया, लेकिन अब तक कोई पक्की खबर नहीं आई है। गरेना ने ज़रूर इंडिया में अपनी प्रेजेंस दिखाने की कोशिश की है, लेकिन गेम का लॉन्च अब तक डिले होता जा रहा है। तो दोस्तों, पुष्पा कोलैब एक अच्छी बात है, लेकिन असली खुशी तब होगी जब फ्री फायर इंडिया वापस आएगा। फिलहाल के लिए गेमर्स और स्पोर्ट्स प्लेयर को वापस लाने के लिए गेम का वापस आना बहुत ज़रूरी है। हम सभी गेमर्स को एक उम्मीद है कि जल्द ही गरेना कोई बड़ा अनाउंसमेंट करेगा। आपको क्या लगता है कि फ्री फायर इंडिया कब आएगा? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।